मैंने कहा बुक्स के बारे में, मैंने कहा बुक्स एंड मूवीज के इंटरेक्शन के बारे में, उनका जो अंतर संबंध बोलते हैं उसके बारे में कहा। अब मैं बोलूँगा क्यों, एक सिंपल सा सवाल है, क्यों हम मूवीज देखते हैं, क्यों हम बुक्स पढ़ते हैं। ओके, सभी लोग ये करते हैं लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करता। जस्ट लेट मी टेल यू, हम मूवीज देखते हैं क्योंकि हम अपने लाइफ का कुछ पार्ट उस चीज के साथ कोरिलेट कर पाते हैं। ओके, अननोइंगली नोइंगली, नहीं तो वो चीज़ हम जो देखते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हंसाती है। अदरवाइज वो मूवी किसी बुक के ऊपर बेस्ड रहती है, किसी रियल लाइफ इवेंट के बारे में रहती है, किसी पर्सनैलिटी के बारे में रहती है। जैसे कि बोहेमियन रैप्सोडी में फ्रेडी मर्क्यूरी का जो कैरेक्टर था उसके लाइफ के ऊपर वो मूवी बनी थी, तो वो हमें इंटरेस्टेड लगता है, वी वॉन्ट टू नो कि एक्चुअली में क्या हुआ, इसलिए हम मूवी देखते हैं। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू बुक, व्हाई वी रीड बुक्स। ओके, फर्स्ट स्टडी के लिए हम पढ़ते हैं, दूसरा कुछ इंटरेस्टिंग नॉलेज लेने के लिए पढ़ते हैं, तीसरा किसी ने रिकमेंड किया है इसलिए हम पढ़ते हैं, चौथा हमें खुद को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, कोई भी फिक्शनल कैरेक्टर, कादंबरी जिसको बोला जाता है, या फिर कोई भी काव्य संग्रह जिसको हम बोलते हैं, मतलब कविताएं वगैरह उनका संग्रह रहता है, कोई भी साहित्यिक बुक्स रहती है उसके बारे में हमें उस चीज़ में इंटरेस्ट रहता है। नेक्स्ट फिक्शनल बुक्स के बारे में, उसमें जो कैरेक्टर्स रहते हैं उसमें, जो अगर कोई बुक में डॉग का कैरेक्टर है या फिर किसी एनिमल का कैरेक्टर है या फिर कोई फेरी टेल का कैरेक्टर है या फिर कोई एलियन का कैरेक्टर है, कोई जादूगर का, कोई भी कैरेक्टर में दो हमें उसमें इंटरेस्ट आता है, वी आर इंटरेस्टेड इन दैट कैरेक्टर, उसके साथ क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और ये इंटरेस्ट लेते समय हमारे माइंड में एक उसका वर्ल्ड बन जाता है। ओके, एक यूनिवर्स हमारे साइड में से क्रिएट हो जाता है, वो बुक रहने दो, अगेन वो मूवी रहने दो, उसका एक यूनिवर्स हमारे अराउंड ऐसे क्रिएट हो जाता है और उस यूनिवर्स को हम समझने का ट्राई करते हैं, अंडरस्टैंड करने का ट्राई कर रहे हैं। अभी जब हम उस यूनिवर्स को ट्राई कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने का, समझने का ट्राई कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम दिमाग से सोच रहे हैं, गेट दैट पॉइंट, वी आर थिंकिंग फ्रॉम आवर ब्रेन। जब हम ब्रेन से सोचेंगे, दिल से नहीं, अननेसेसरी इमोशन से नहीं, जब हम दिमाग से सोचेंगे ऑब्वियसली ब्रेन का एक्सरसाइज होगा। जैसे बुक रीडिंग करोगे, मैंने प्रीवियसली भी कहा था लेकिन फिर से बोलो, ब्रेन का एक्सरसाइज होगा, बुक रीडिंग आप करते जाओगे, आपका इंटरेस्ट और बढ़ता जाएगा, आपका ब्रेन और एक्टिव होता जाएगा, आप प्रैक्टिकल बनते जाओगे, आप स्मार्ट बनते जाओगे, आप धीरे धीरे अननेसेसरी जो ड्रामा चल रहा है, फालतू का जो इमोशनल ड्रामा हमारे आजू बाजू में चलता रहता है, कोई पे झगड़ा हो गया, वहाँ पर हमारा ध्यान चला जाता है, कोई भी इमोशनल अननेसेसरी चीज़ें जिसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो जाता है तो उससे वो दोनों निकल ही नहीं पाते हैं, फिर उसके बाद में कोई जॉब के यहाँ पे किसी बॉस ने कुछ कहा या फिर किसी और ने कुछ कहा तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, खुद को ये करना, ये सारी चीज़ें कब होती है, जब हम ओवर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाती है। इन दिस केस हम जब मूवी देखते हैं तो हम उस मूवी के कैरेक्टर्स के साथ सिंक हो जाते हैं और हम दिमाग से सोचना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम बुक पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ने रहे दो, सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड रहने दो, कोई कादंबरी रहने दो, कोई काव्य संग्रह रहने दो, कोई स्टडी से रिलेटेड कुछ भी, मतलब जो कुछ आपको पढ़ना है, वो पढ़ना इन द सेंस रीडिंग करना है, जो आप रीडिंग करना चाहते हो, जब आप रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन उस अननेसेसरी चीज से डाइवर्ट होके एक प्रॉपर वे में आता है और डेवलप होता है, सिर्फ आता नहीं है, डेवलप होता है। दैट्स व्हाई वी वॉच द मूवीज, दैट्स व्हाई वी रीड द बुक्स, एंड दैट्स व्हाई यू मस्ट एंड शुड वॉच क्वालिटी मूवीज एंड यू मस्ट एंड शुड रीड क्वालिटी बुक्स। अगर आपको ब्रेन को आपके अच्छा खासा फीड देना है, देन दीज आर द टू वेज, विथ प्रीवियसली मैंने जो कहा हिट साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और यही मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि
हमें जो क्वेश्चन आता है ना हमारे दिमाग में हमेशा आता है ना कि हम क्यों मूवीज देखते हैं, हम क्यों बुक्स पढ़ते हैं, क्यों बुक्स पढ़ना हम पसंद करते हैं, क्या रीजन है उसके पीछे का। द रीजन इज आवर माइंड इवॉल्व्स, आवर माइंड ग्रोज, आवर माइंड थिंक्स। इसकी वजह से जो अननेसेसरी ड्रामा हम देखते हैं और उसमें जो हम फंस जाते हैं ना, उसको किल करने के लिए, उस चीज को रिमूव करने के लिए, ब्रेन को वर्क करने के लिए हम अच्छी क्वालिटी मूवीज देखते हैं, हम बुक्स पढ़ते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं, हम खाने पीने की चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हम जो कोई एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटीज भी जो हम करते हैं ना, तो उसके पीछे का रीज़न ये है, टू डेवलप आवर ब्रेन। अंडरस्टूड? आपके क्या थॉट्स हैं इस चीज़ के बारे में, बुक्स के बारे में एंड मूवीज़ के बारे में? प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। पीस।